अगर आपके मोबाइल में भी एड आता है तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एड को बंद कर सकते हैं। टोटली बंद हो जाएगा एड, आप लोगों के मोबाइल में एड नहीं आएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के मोबाइल में एड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और आप लोगों को ये सेटिंग करके बताते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल में कैसे एड को बंद कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को ऐड बंद करने के लिए सिंपली आपके मोबाइल की सेटिंग पर चला जाना है और मोबाइल की सेटिंग पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली रिकमेंडेशन सर्च करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गेट रिकमेंडेशन आ गया है, वहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप लोगों को गेट रिकमेंडेशन पर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, आप लोगों को इसे बंद करना होगा जिससे कि आप लोगों को फ़ोन में रिकमेंडेशन नहीं आएगा, जिससे कि आप लोगों का मोबाइल में ज़्यादा डेटा के भी खपत नहीं होगा। सो गाइस इसको आप लोगों को सिंपली बंद कर देना है और आप लोगों को वापस आ जाना है और आप लोगों को चेक करना है कि हमारा एड बंद हुआ या नहीं। तो आप लोगों को सिंपली जाना है, अपना नेट ऑन कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर हमारा ये आ रहा होता, ऐड आ रहा होता तो हमारे यहाँ पर ऐड शो हो रहा होता। तो गाइस उम्मीद है हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को जरूर दबाना। तो गाइस मिलते हैं किसी और एक यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।